आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। जौनपुर शाहगंज, मौजूदा सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर जहां तरह तरह की योजनाएं से लाभान्वित कर बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है तथा साथ ही साथ करोड़ों रुपए खर्च कर विद्यालय में अध्यापकों को समय से पहुंच बच्चों को शिक्षित करने का निर्देश देती आ रही है, तो वही आए दिन उन नियमों की धज्जियां उड़ाते कहीं ना कहीं शिक्षक देख ही जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जौनपुर जिले के शाहगंज विकासखंड अंतर्गत अमरेदुआ प्राथमिक विद्यालय पर देखने को मिला। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अमरेदुआ में प्राथमिक विद्यालय पर घोर लापरवाही प्रकाश आई है, जिसमें ग्राम प्रधान पुनिता देवी पत्नी अरविंद की जेठानी वंदना प्राथमिक विद्यालय पर शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत है, जो लगभग 2 महीने से विद्यालय नहीं आ रही। विद्यालय में न आने के बाद भी प्रधानाध्यापक के मिलीभगत से उनका रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कर दी जा रही है। इस मामले में मीडिया से हुई बातचीत में कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रधानाध्यापक से लेकर आंगनबाड़ी तक सभी ने गोलमटोल जवाब देकर कन्नी काटते नजर आए, तो वहीं प्रधानाध्यापक ने एक हफ्ते से विद्यालय न आने की बात कही और मीडिया द्वारा पूछे जाने पर बताया कि रजिस्टर में उपस्थिति कैसे दर्ज हो जाती है यह उन्हें भी नहीं पता। साथ ही प्रधानाध्यापक की वायरल ऑडियो में बात करते हुए यह भी कहा गया है कि विद्यालय की चाबी प्रधान के पास रखी जाती है तथा उनके ही माध्यम से विद्यालय खुलता है। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही। क्या नाम आपका? अंकिता। अंकिता, कितने क्लास में पढ़ती हो? 5। 5 में? तो यहाँ पे जो मैडम जी नहीं आ रही हैं आपकी शिक्षा मित्र में, कितने दिन से नहीं आ रही हैं? 1 महीने। 1 महीने से? अच्छा, आप इसी गांव के हैं? अच्छा, तो किस कारण नहीं आ रही हैं वो? नहीं पता। अच्छा अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया हो रही है ना? क्या पढ़ रही हैं इस समय? भिन्न का जो। हाँ? भिन्न से। भिन्न का। चलिए ठीक है, आइए हम और बच्चों से बात करके हैं। अपनी क्या नाम है बेटा? जोया। क्या? जोया। जोया, कहाँ, इसी गांव के रहने वाली हो? अच्छा, तो ये मैडम जो आपके शिक्षा मित्र हैं, कितने दिन से नहीं आ रही हैं? 1 महीना। 1 महीने? मास्टर तो कह रहे हैं अभी 1 हफ्ते से नहीं आ रही हैं, क्या ये सही है गलत है? हाँ बच्चे भाई, हकीकत ये झूठ नहीं बोलेंगे। आइए हम यहाँ के कुछ और सदस्य लोग हैं, कुछ यहाँ आइए हमारे और नहीं नहीं बात करिए भाई। अच्छा आप भी हैं? चलिए बोलिए बोलिए, आपका क्या नाम है? आप इसी गांव के रहने? हाँ, हम इसी गांव के हैं, दीपक नाम हमारा है। ये जो यहाँ आरोप लग रहा है कि ये जो शिक्षा मित्र हैं वंदना जी, ये काफी दिनों से नहीं आ रही हैं, कितने दिन से लगभग नहीं आ रही हैं? लगभग 1-2 महीना से नहीं आ रही हैं, सुनाई नहीं आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ तो प्रधानाध्यापक से पूछा गया तो कह रहे हैं 1 हफ्ते से नहीं आ रही है। उनका विभाग है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, साथ में रहते हैं बच्चे। अभी बच्चे भी आपको बताए ना, 1 महीने से नहीं आ रहे। हाँ हाँ, बच्चे तो क्लियर बता रहे हैं। वो गलत, हम लोग भी आते हैं, कभी कभी पूछते हैं मैडम नहीं आ रहे। छोटे छोटे बच्चे तो गलत। हाँ मैडम, कभी कभी पूछते हैं बच्चों से, बच्चे की तो जो भी बातें होती सरकार भी मानती है। चलिए आइए, कट कर दीजिए, आइए कुछ। ये सर काफी दिनों से ये जो महिला आपके यहाँ विद्यालय पे है, जो शिक्षा मित्र है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? वायरल कहाँ पे हुआ सर? अप्लीकेशन दिया गया, हर जगह दिया गया है, आपके गांव के माध्यम से इस पे महिला। कहाँ कहाँ अप्लीकेशन है सर? अप्लीकेशन जो भी उच्च अधिकारी के यहाँ दिया गया है, मुख्यमंत्री DM साहब के यहाँ और बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ जी। हाँ, हमें नेक्स्ट संडे को, नेक्स्ट मंडे को जो है। आप पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, किस पद पे हैं? सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक हैं। और प्रधानाध्यापक कौन है? प्रधानाध्यापक नहीं है यहाँ पे। नहीं है, तो उनका कार्यभार कौन देख रहे हैं? हम ही देखते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ नियुक्त नहीं हुए हैं कि अभी आते हैं? नहीं, छुट्टी पे हैं प्रधानाध्यापक, यहाँ पे नहीं है। हाँ जी। अच्छा, तो हाँ आप बताइए तब इस मामले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस समय देख रेख आप ही कर रहे हैं ना? जी, जी, जी। तब उनका जो कार्यभार है प्रधानाध्यापक का, आप ही संभाल रहे हैं ना? हाँ, हम ही देखते। तो आप ही की निगरानी में ये सब होना चाहिए ना, छुट्टी कब ले रहे हैं, कितने दिन से है, तो ये सब बता तो रहे हैं आपको जो है। नेक्स्ट मंडे से है। तो मंडे से उनका कोई मेडिकल कॉपी ओपी नहीं? तो कैसे उनकी छुट्टी चल रही है? अब चल रही है उनकी छुट्टी। नहीं तो बिना आपके आदेश से और बिना कोई सरकारी
कर्मचारी अधिकारी को बिना एप्लीकेशन अवगत कराए हुए कैसे उनकी छुट्टी मिल गई? वो अपने मानव संपदा कोर्ट पे दी होंगे। नहीं कोर्ट पे नहीं, आपको तो भी एक मेडिकल कॉपी यहाँ पे देना चाहिए। हमको कॉपी अब अलॉटेड नहीं है आपको भी भाई साहब। तो कितने दिन से वो है छुट्टी पे, कितने दिन से है? मंडे से तो बता रहे हैं, नेक्स्ट मंडे। नहीं नहीं, गांव से आरोप है कि 2 महीने से वो नहीं है, इसी गांव के लोग हैं। हाँ तो वही तो क्या वो गलत, वो गलत बताएंगे क्या? कौन गलत बताएंगे? जैसे गांव के ये जो लोग हैं, या तो आप गांव को सही मानिए या तो सर हमको मानिए। तो ये बताइए उनका क्या नाम है जो शिक्षा मित्र है? वंदना। वंदना, तो उनका जो ये अब्सेंट चल रहा है, कुछ रजिस्टर वगैरह दिखाएंगे? आप पूछ लीजिए, उसके बाद आपको दिखा दे रहे हैं रजिस्टर। नहीं नहीं, तो आप मौके पे हैं, आप रजिस्टर दिखाइए। रजिस्टर दिखाइए। तो इस पे आप कहाँ कहाँ पे आदेश, मतलब उच्च अधिकारी की? मैंने मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जी, डीएम साहब जौनपुर और बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर को। तो वहाँ से आप लोगों को आपको क्या जवाब मिला? अभी जवाब मुझे नहीं मिला है, जवाब में टाइम है, देखिए अधिकारी क्या देते हैं। मैं चाहता हूँ आप बच्चों से भी वाइट ले लें, आंगनवाड़ी भी है। चलिए ठीक है, ठीक ठीक है, कुछ और गांव लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। वीरेंद्र कुमार यादव। किस पद पर हैं? सहायक अध्यापक। अच्छा अच्छा, तो ये जो वंदना कुमार ये मैडम है जो शिक्षा मित्र पद पर है, कितने दिन से नहीं आ रही? विगत एक हफ्तों से नहीं आ रही है। और ये जो बच्चे अभी बाइट लिया गया उनसे, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? 1 महीने 2 महीने जो, से नहीं आ रहे। जो बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे तो अलग, उनको हफ्ता महीना खुद ही नहीं क्लियर है तो क्या बोलेंगे? नहीं बच्चे, कम से कम 2 लोगों से बाइट लिया गया, बच्चे की तो बात तो सरकार मानती है, तो वही सही मान लीजिए। अगर आपको लग रहा है तो वही मान लीजिए। तो इतना बड़ा गोलमटोल हो रहा है यहाँ विद्यालय पे, कम से कम 2 महीने से वो लेडीज नहीं आ रही है, हाजिरी कौन लगा रहे हैं? अरे देख लीजिए उस पे ना भैया, किसकी साइन है, आपके पास प्रमाण है उसको? प्रमाण नहीं है अभी तो, वो एक हफ्ते से उनका अब्सेंट का वो लग रहा, मतलब की वो लग रही हाजिरी, और उसके पहले समझ लिया हाजिरी उनकी बन रही थी तब। रजिस्टर है, आप देख लीजिए ना भैया। और गांव वाले से भी बाइट लिया गया, आपके पूर्व प्रधान से भी बाइट लिया गया, तो क्या वो गांव के रहते हुए भी इतने गलत बोलेंगे? क्योंकि एक राजनीतिक या सामाजिक वो व्यक्ति है। अब क्या इतना क्या विवाद है, क्या बात है, उससे हमारा लेना देना कोई नहीं। विवाद हमको यही जानना है कि ये 2 महीने से नहीं आ रहे हैं, एक हफ्ते से नहीं आ रहे हैं। नहीं आपका कहना है ना कि अब कक्षा 4-5 के हैं, 5 के हैं, तो उनको दिन महीना कुछ पता नहीं है क्या? अभी आपने कहा कि उनको कुछ पता नहीं है। नहीं कन, और लोगों से लीजिए ना, और लोगों से लीजिए, 2 लोगों से आप बात करिए, हो सकता है उसकी बात सुन के बोल दिए, और लोगों से ले लीजिए आप लोग लाइव, जिससे जो है। नहीं जिससे नहीं, जिससे आपका मन कहे। चलिए उससे बात कर, चलिए कक्षा 5 रुके कक्षा 5 के बच्चे कहाँ का? चल करिए पूछ, क्या पूछ रहे? क्या नाम है आपका? हमारा है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुदामा देवी। सुदामा देवी किस गांव की हैं? अमरथुआ की। शिक्षा मित्र हैं जो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही, ऐसी सूचना आ रही है, क्या मामला है उनका? वो 2 महीना से नहीं आ रहे हैं शिक्षा मित्र। अच्छा, आप इसी गांव की हैं? हाँ। किस, कौन से गांव है? ये उसरहिया है। आप उसरहिया? हाँ। अब उसके बारे में तो नहीं मालूम है क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन आ नहीं रही है 2 महीना से। 2 महीने से? हाँ 2 महीने से। कोई लिखित कोई सूचना कह रहे हैं कि एक हफ्ते से नहीं आ रहे हैं? नहीं हम तो 2 महीने से नहीं देख रहे हैं, हमको झूठ बोलना क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ तो हमको तो मालूम है कि हम 2 महीने से नहीं देख रहे हैं उसको, और छुट्टी तो जो रजिस्टर में लिखा गया है अभी 23 तारीख से लग रहा है उनकी छुट्टी का। आपको इसको हमको नहीं मालूम है कहाँ। अच्छा अच्छा, आप बताइए आप किस पद पे, आप किस पद पे हैं? ये हम सहायिका हैं, आंगनबाड़ी सहायिका। तो क्या ये जो मामला आपको इस वो शिक्षा मित्र का आ रहा है, तो क्या ये सही है? सही। अच्छा कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? 2 महीने से नहीं आ रहे। तो इसका मतलब यहाँ जो हेडमास्टर हैं, प्रधानाध्यापक झूठ बोल रहे हैं तब? अब हम तो 2 महीने से नहीं देख रहे हैं। हाँ नहीं, और बच्चों से भी बाइट लिया गया, गांव के इस समय वो पूर्व प्रधान है उनसे भी जायजा लिया गया, तो वो भी बता रहे हैं कम से कम 2 महीने से नहीं आ रहे हैं सर। हाँ तो भाई सच्चाई और सच्चाई हम बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, 2 महीने नहीं देख रहे हैं। सरिता देवी। कहाँ घर है? यही अमरथुआ है, उसरहिया पे गाँव। कितने दिन से यहाँ कर रहे थे? हम यहाँ से 2006 से मतलब कर रहे हैं।